वेलकम बैक एंड राधे राधे सभी को। और थोड़ा सोच रही हूँ, थोड़ा और दुबली हो जाती हूँ, वेट लॉस करूँ कि ना करूँ, ज़रूर कमेंट करना। सो आज का वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि मैं डाइट प्लान लेकर आई हूँ जो मैंने अपनी क्लाइंट को दिया था, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उनका वेट लॉस कराऊँ, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। सो मैं सोच रही हूँ क्या मैं 50 kg कर लूँ या नहीं। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। Hey guys, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, जो आपका चैनल है फैट विद प्रियंका। एंड सबकी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? बहुत सारे लोग को वेट लॉस कर ही रहे हैं, आई नो, बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, काफी कंप्लेन आ रही है कॉमेंट बॉक्स में। इवन जब से ज्यादा आ रही है, जब से मैंने अपने एक क्लाइंट वर्षा, आपको देखा होगा 4-5 दिन पहले मैंने अपने एक क्लाइंट वर्षा का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट फर्स्ट डे से वीडियो डाला था। ये एक बाय चांस की बात है कि वो मेरे घर के पास थोड़ी दूर पे रहती है, सो मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए ये थोड़ा सा हार्डवर्क उठाया है कि मैं वीडियो जाके बनाई। जब भी मैं वीडियोज ले रही हूँ, एडिट कर रही हूँ एंड शॉर्ट्स के द्वारा उसकी जर्नी आपसे साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। अदरवाइज मैं कभी भी शेयर नहीं करती हूँ कि पर्सनली किसने मेरे से डाइट प्लान लिया, कस्टमाइज करवा के कब लिया, कैसे लिया, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग मेरे घर के पास रहें, बहुत दूर दूर भी होते हैं और दूसरी सिटी के भी होते हैं। तो आज मैं तो जब मैंने ये शेयर किया और शॉर्ट्स के द्वारा कर भी रही हूँ उसकी जर्नी, जब तक मेरे से हो पा रहा है तब तक मैं अभी थर्ड डे चल रहा है एंड शी इज डूइंग फैबुलस फैबुलस फैबुलस, बहुत अच्छा कर रही है वो। तो आज मैं उसको मैंने क्या डाइट प्लान दिया था एक्चुअली में। सो जब कस्टमाइज डाइट प्लान होता है तो एवरी वीक डाइट प्लान चेंज किया जाता है। तो जो फर्स्ट वीक का डाइट प्लान है जो मैंने उसको साथ शेयर किया था एंड वो काफी अच्छा कर रही है। जो फर्स्ट वीक का डाइट प्लान होता है वो बहुत ही बेसिक सिंपल डाइट प्लान होता है टू चेक दी बॉडी की, उसकी बॉडी किस तरीके से, कौन सी चीज खाने से अच्छा वर्क कर रही है, कौन सी चीज उसको सूट हो रही है, कौन सी चीज नहीं हो रही है। बट जो हमारे घर में चीजें अवेलेबल है, सो फर्स्ट 7 days उसी पे हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या दिया था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दूसरा, उसका वेट अपडेट यस आज मैं जरूर दूंगी कि 3 से 4 दिन में उसने कितना लूज किया है। एंड अभी मदर्स डे भी आ गया था, तो शी सेलिब्रेटेड मदर्स डे ऑल्सो, तो थोड़ा सा एक दिन का इधर उधर हो गया। एंड उसके बाद कल सॉल्ट फ्री डे, क्योंकि 7 days में आई गेव हर वन डे फॉर सॉल्ट फ्री डे। सो वो जो सॉल्ट फ्री डे का वीडियो है वो भी आप शॉर्ट्स के द्वारा देख लोगे। आई थिंक आज 4th day है, नहीं कल 4th day था, तो कल वाला वीडियो मैं आज या कल में डाल दूंगी शॉर्ट्स में। सो फॉलो जरूर करें आप शॉर्ट्स वीडियो उसकी जर्नी, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके आपकी वेट लॉस जर्नी में। सबसे पहले 4 rules फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट जो रूल है वो ये फॉलो करना है, किसी को भी मैं वेट लॉस कराती हूँ तो पहला ये है कि आपको अपनी बॉडी हाइड्रेट रखनी है थ्रू आउट द डे। 3 से 4 liter पानी लेना है, मिनिमम 3 liter तो लेना ही है। दूसरा ये है रूल के, सो रूल नंबर 2 ये है कि आपको स्लीप, अपनी 8 घंटे की नींद लेनी ही है। किसी वजह से अगर आप रात में मान लो जग रहे हो बच्चे की वजह से या कुछ भी हो रहा है, नेक्स्ट डे आप अपना वेट बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो बड़ा हुआ ही आएगा। आप फिर उसके नेक्स्ट डे बाद ही लें, जब आपकी उस प्रेजेंट डे में नींद रात में पूरी हो जाए। थर्ड रूल ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एंड 4th rule ये है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, जो कि है आपने 45 minutes वर्कआउट करना ही है। इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, इट्स अबाउट योर बॉडी, इट्स अबाउट योर इंटरनल हेल्थ, है ना। तो वर्कआउट जरूर करें, वेदर यू आर डूइंग वॉकिंग और एक्सरसाइज, ठीक है। शी इज डूइंग बोथ बिकॉज हर च्वाइस है एंड उसको बॉडी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो पतली ही दिख रही है, बट एक्चुअली पतली कैमरे पे वो दिख रही थी एंड उसने कपड़े भी वैसे डाल रखे थे, बहुत ज्यादा उसने बड़ा सा कुर्ता पहना हुआ था और प्लाजो पहना हुआ था, इसीलिए वो पतली दिख रही थी। दिखने से नहीं होता है, इट्स इम्पोर्टेंट कि रियालिटी क्या है, वो क्या चाहती है, है ना। तो और आप क्या चाहते हो, आप शीशे में जाए, आपके घर में मिरर है, आप जाए अभी इसी वक्त वीडियो देख के और देखे कि यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ और नॉट, ठीक है, जवाब आपके पास है। तो ये 4 rule फॉलो करना है। उसके बाद जो मॉर्निंग में आपको जैसे ही आप उठते हो सुबह, तो सबसे पहले आपको बाउल मूवमेंट करना है, उसके बाद वेट लेना है अपना विदाउट क्लोथ्स लेने हैं, और वेट लेने के बाद अपना डायरी में लिख लेना है बस। उसके बाद अपना डिटॉक्स ड्रिंक लेना है आपको। सो उठ के ही एटलीस्ट 1 से 1.5 glass पानी पीना है, उसके बाद वॉशरूम जाना है, उसके बाद वेट लेना है, उसके बाद अपनी डिटॉक्स ड्रिंक बनानी है। डिटॉक्स ड्रिंक में मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, एक एप्पल साइडर विनेगर शी यूज टू हैव एंड सेकेंडली धनिया पानी बहुत हेल्पफुल रहता है। आप कहते हैं, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्मी पड़ रही है तो एक होता है मसाले गर्म होते हैं, आई नो, बट इतना एक चम्मच भर के नहीं लेना, ओनली 5 grams।
5 ग्राम ऑफ धनिया आप एक ग्लास पानी में रात में भिगो दें, नेक्स्ट डे उसको बॉईल कर दें और उसको ले लें। उसके अलावा अगर आप थोड़ा और ज्यादा धनिया लेना चाहते हो, जैसे कि थायराइड वालों को धनिया बहुत हेल्पफुल रहता है, एक चम्मच एक ग्लास पानी में भिगो के रख दें, नेक्स्ट डे उसको गर्म ना करें, बॉइल ना करें, बिल्कुल भी छान के ऐसे ही ले लें। सो धनिया पानी मैंने दिया है, फेनुग्रीक वाटर दिया है मैंने, लेमन वाटर दिया है, सो ये कई ऑप्शन दिए हैं, सो वो अपने हिसाब से फॉलो कर लेती है एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अपने हिसाब से। आपको एक ही चीज डेली नहीं पीनी है डिटॉक्स में। मैंने सजेस्ट किया है कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज वो डिटॉक्स पानी लेने के बाद, घर में ही, बाहर नहीं जा सकते हो, बीइंग अ हाउस वाइफ यू कैन गो आउट, बट स्टिल आप 5000 स्टेप्स घर में ही आप पूरे कर ले एंड शी कम्प्लीटेड एंड शी इज डेडिकेटली फॉलोइंग एंड शी इज गेटिंग द रिजल्ट्स आल्सो। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपके पास किस टाइम पे आप कर सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आपको 10,000 स्टेप्स करने हैं डेली के, ठीक है, बट अगर आप डिटॉक्स पानी पी के करते हो तो ज्यादा और अच्छे से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी वो चीज एंड वेट लॉस अच्छा होगा। उसके बाद आई थिंक 45 मिनट में 5000 स्टेप्स हो जाते हैं। 5000 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद 15 से 20 मिनट आराम से बैठना है, रिलैक्स होके सिप सिप करके पानी पीना है, आधे घंटे बाद ही अपने आपका ब्रेकफास्ट लेना है। सो मूंग दाल चीला दिया है मैंने एक दिन बेसन का बीटरूट चीला दिया है, एक दिन मैंने सूजी का चीला दिया है, एक दिन मैंने ओट्स पुडिंग दी है और एक दिन मैंने सिंपल फ्रूट्स दिए हैं एंड एक दिन मैंने मूंग दिया है और एक दिन जो सातवां दिन है उस दिन मैंने सॉल्ट फ्री दिया है, सॉल्ट फ्री डे रखा है। सॉल्ट फ्री डे पे मैंने एक्चुअली में उसको सत्तू का शेक दिया है। ठीक है, मिड ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में चाय नहीं लेनी है, नहीं ले रही है, तो मिड ब्रेकफास्ट में शी इज टेकिंग टी, बट मैंने 5 ग्राम ऑफ जैगरी ही बोला है, इवन 10 ग्राम ऑफ शुगर या जैगरी ही इंक्लूड है डाइट प्लान में। सो शी इज टेकिंग 5 ग्राम ऑफ जैगरी इन दी मॉर्निंग टी एंड इवनिंग टी में 5 ग्राम, सो 10 ग्राम ऑफ शुगर होगी है, इसके अलावा कोई भी शुगर नहीं लेनी है एक्चुअली में। तो क्योंकि ऑलरेडी आप शुगर ले रहे हो, फ्रूट्स भी खा रहे हो, ओट्स भी खा रहे हो, मिल्क भी ले रहे हो, तो शुगर नेचुरल तो आप ले ही रहे हो ना। सो ये वाली अब जिनको जैगरी से भी प्रॉब्लम है, गर्मी है, तो वो फिर शुगर ले सकते हैं, प्रोसेस्ड शुगर भी ले सकते हैं। मैं हमेशा वही कहती हूँ कि कोई भी चीज जब भी डाइट प्लान आप फॉलो करते हो तो हमेशा सिंपल और लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए। आप बिल्कुल से शुगर छोड़ दोगे तो वो आप लाइफ टाइम तो नहीं करने वाले ना बाबा, नहीं करोगे ना। ठीक है, तो अगर आप 80% हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो 20% में वो शुगर भी आ गया है। अगर आप 10 ग्राम पर डे का ले लो तो कुछ नहीं होने वाला एक्चुअली, है ना, डायबिटीज वालों के लिए नहीं है ये रूल। ठीक है, लंच में आई ऑलवेज से कि आपकी थाली में सब कुछ होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपका सैलड होना चाहिए, आपका कर्ड होना चाहिए, आपका प्रोटीन होना चाहिए। सो सारी पूरी थाली जो है वो डिवाइड होनी चाहिए इन सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, इसमें एक रोटी या दो रोटी ऑफ 60 ग्राम ऑफ फ्लोर, अगर आप मल्टी ग्रेन रोटी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, रागी की ले सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, बट स्टिल इन दोनों में से कोई नहीं ले सकते हो। अगर मल्टी ग्रेन आटा अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो घर में मल्टी ग्रेन बना सकते हो, सादा आटा लो और बेसन लो और दोनों को मिक्स करके आप बेसन एंड सादे आटे की मिक्स करके रोटी बना सकते हो। 30 ग्राम सादा आटा ले लो, 30 ग्राम का बेसन ले लो। ठीक है, इस तरह से आप अपनी लंच में मैंने ये ऑप्शन दिया। सो सैलड्स होते हैं, हाई प्रोटीन सैलड होते हैं, पनीर, टोफू और बहुत सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके ग्रीन चटनी डाल के 250 ml का बाउल जो होता है वो भर के ले सकते हैं। ठीक है, तो काफी ऑप्शन होते हैं लंच में, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि जब तक इंसान रोटी ना खाए उसको लगता ही नहीं है कि पेट भरा है। ये सैलेड वगैरह ना आई ऑलवेज प्रिफर इन डिनर। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी का मन नहीं है रोटी वोटी खाने का तो आप छोले राइस, राजमा राइस आप इस तरह से ले सकते हैं, पुलाव ले सकते हैं, सोयाबीन पुलाव ले सकते हैं, है ना। सो मिड इवनिंग स्नैक्स में आपने ग्रीन टी ही लेनी है या परचेज कर लो ग्रीन टी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तो भी आप घर में अपनी ग्रीन टी बना सकते हो। तो बनानी कैसी है, जैसे करी पत्ता लीव्स आती हैं, आपके पास तुलसी होगा, आपके पास पुदीना होगा, इन सबको क्रश करके एक ग्लास पानी में आप बॉईल करें, उसमें आप थोड़ा सा अदरक भी कस ले और अदरक जो है बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है आपको, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, और ये छान के एक कप बना के आप वो ले सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप उसके साथ एक मुट्ठी भर रोस्टेड चना ले सकते हो, मुरमुरा ले सकते हो या फिर कोई एक एप्पल भी ले सकते हो। हमारा इवनिंग स्नैक्स डिनर में, तो डिनर में मैंने सात दिन के लिए जो ऑप्शंस दिए हैं वो है, एक तो पपीता आप ले, बाउल ऑफ पपीता, ठीक है, सेकेंड ओट्स खिचड़ी, थर्ड दाल सूप, फोर्थ सिंपल दाल चावल, फिफ्थ आई गिव हर सत्तू ड्रिंक एंड सिक्स आई शीरा। सॉल्ट फ्री डे होता है उस दिन, पालक का अगर आप सूप बनाते हो तो, क्योंकि पालक में खुद में एक सॉल्ट होता है तो आपको बिल्कुल भी लगता ही नहीं कि आपने नमक नहीं खाया, तो सॉल्ट फ्री डे पे मैंने पालक सूप दिया है। यस, बिफोर गोइंग टू बेड डिटॉक्स टी लेनी है, लाइक
सॉफ्ट टी ले लो, लॉन्ग टी ले लो, या फिर नॉर्मल गर्म पानी भी चलेगा। आप नॉर्मल गर्म पानी भी ले सकते हो बिफोर गोइंग टू बेड, लेमन वाटर ले सकते हो बिकॉज गर्मी आ रही, तो रात में लेमन वाटर भी ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने ऑप्शन दिए हैं। तो ये था आज का डाइट प्लान। तो बताना, कॉमेंट करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, बहुत सारे लाइक चाहिए मुझे, एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज आपके पास कोई आइडियाज हैं तो जरूर शेयर करिए, मैं आपके साथ वो सारी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, एंड मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी आपकी वेट लॉस जर्नी में। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा आइडिया मिल गया ना तो मैं वो जरूर आपके साथ वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए कल से ही आपको ये डाइट प्लान फॉलो करना है, एंड और अपने फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।